स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आज के टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं सब स्टेशन क्या होते हैं। सब स्टेशन हमारा एक नया जो है चैप्टर है, तो हम आपको शुरू करेंगे। तो आप जो है, अगर इससे पिछले चैप्टर आप नहीं देखे हैं, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस टॉपिक है जो कि भर भर के हैं, आप उसको देखिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पर आइए। तो आज का टॉपिक है हमारा सब स्टेशन। सब स्टेशन से लगभग आप सभी लोग जो है इंट्रोड्यूस तो होंगे ही, क्योंकि सब स्टेशन क्या है? जहाँ पे पावर प्लांट द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी के लेवल में परिवर्तन या पावर फैक्टर में परिवर्तन किया जाता है, उसे सब स्टेशन कहते हैं। या कई सारे फैक्टर में जिसमें परिवर्तन किया जाता है उसे जो है सब स्टेशन कहते हैं। यहाँ पे एक प्रकार से लिखते हैं, सब स्टेशन क्या है आपका? कन्वर्जन, एक प्रकार का कन्वर्जन एंड कंट्रोल करता है किसको? जो इलेक्ट्रिसिटी मेड हुई है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी आपकी बनी हुई है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। या सब स्टेशन आर प्लेस, सब स्टेशन क्या है? एक जगह है जिसमें जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई को, वेयर एनी का, जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई को किसी भी प्रकार का जो है कन्वर्जन करना हो या कंट्रोल करना हो, किसको? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, वो क्या है आपका? सब स्टेशन। सब स्टेशन जो है डिज़ाइन किया जाता है कंट्रोल करने के लिए या चेंज करने के लिए कुछ फॉलोइंग, कई सारी चीज़ें जो है उसमें कंट्रोल और चेंज किए जाते हैं। जैसे कि आपका जो है, जैसे आपका जो है स्टेप अप से स्टेप डाउन करना हो गया, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करना हो गया इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और जो है कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल, अब जो कन्वर्जन करना है आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से जो है अनदर एक फ्रीक्वेंसी में, और कन्वर्जन है अल्टरनेटिंग करंट में, मतलब एसी से जो है डीसी के फॉर्म में, और क्या है फैसिलिटी है इसमें वोल्टेज रेगुलेशन इन द सिस्टम में, टू फैसिलिट वोल्टेज रेगुलेशन इन दिस सिस्टम, एंड इसे क्या कहते हैं, एंड टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द सप्लाई सिस्टम। इसे कई सारे इसके सब स्टेशन के जो है वर्क हैं। तो सब स्टेशन से आप जो है काफ़ी इंट्रोड्यूस होंगे। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं सब स्टेशन, हमारा जो आज का टॉपिक है उसको हम डालते हैं सब स्टेशन। सब स्टेशन आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो आप जो है एक तरफ से देखा करिए, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जो है संबंधित है, रिलेटेड है। आप उसे जो है देखा कर, एक भी स्किप करेंगे तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है आपसे छूट भी सकते हैं। तो इसलिए चलिए अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जहाँ पर जो है, जहाँ पर पावर प्लांट द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ आप लिखते हैं ये क्या है, जहाँ पर पावर प्लांट द्वारा, पावर प्लांट द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिक पावर को पावर के वोल्टेज वोल्टेज में परिवर्तन या फिर पावर फैक्टर में परिवर्तन किया जाता है उस स्थान को जो क्या कहते हैं, सबस्टेशन कहा जाता है। काफ़ी टेक्निकल है, आप इसको देखिए ध्यान से। देखिए, इसका मतलब ये है कि पावर प्लांट मतलब क्या है, जैसे आपका थर्मल पावर प्लांट है, ये सारे पावर प्लांट हम आपको पढ़ाएंगे, तो आप अभी इंतज़ार करिए, वो आपका जो सब्जेक्ट आएगा तो हम उसको जो है एक तरफ से पढ़ाएंगे आप। तो ये पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट है, ये सारे पावर प्लांट से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है, खासकर ज़्यादा थर्मल ही यहाँ पे यूज में है, काफ़ी हाई पावर प्लांट, मतलब हाई जनरेट करता है ये पावर। जहाँ पर जो है पावर प्लांट द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिक पावर के वोल्टेज लेवल में परिवर्तन या फिर पावर फैक्टर में परिवर्तन किया जाता है, उस स्थान को जो है क्या बोलते हैं, सब स्टेशन बोलते हैं। और दूसरे, अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो क्या है, इलेक्ट्रिक सिस्टम या फिर आप जो है इसे सब स्टेशन कह सकते हैं। सब स्टेशन क्या है, आर प्लेस, सब स्टेशन एक जगह है जिसमें आपकी इलेक्ट्रिक सप्लाई,
जिसमें आपकी कोई भी कन्वर्जन एंड कंट्रोल, मतलब आप समझ लीजिए कि ये क्या है, सब स्टेशन जो है क्या करता है, इट कंट्रोल एंड कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब यह क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को क्या करते हैं, कंट्रोल करता है या फिर कन्वर्जन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, आप बोल सकते हैं जो बनी हुई है मेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये सब्सटेंस डिजाइन है जो कि आपका कंट्रोल कर रहा है या चेंज कर रहा है कुछ फॉलोइंग चीज़ों को, जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, तो आपका ये क्या नाम है, कंट्रोल एंड कन्वर्जन का काम करता है इलेक्ट्रिकल पावर को। यहाँ पे जो एनी टाइप ऑफ काइंड ऑफ कन्वर्जन एंड कंट्रोल इज मेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और दूसरी बात, अगर ये किस किस चीज़ों को जो है कन्वर्ट करता है, इसको हम आपको बता रहे हैं, मतलब कंट्रोल करता है और कन्वर्जन करता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसमें कन्वर्टेबल हैं, यहाँ पर देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये क्या करता है, ये आपके जो है टू सेट द वोल्टेज स्टेप अप टू स्टेप डाउन, स्टेप अप टू स्टेप डाउन इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन का भी जो है काम करता है। और ये अगर हम दूसरी बात में कहें, इसे यहाँ पर जो हम लिखे हैं इट कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर, तो आप इसको जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मतलब ये जो है क्या करता है कि एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन एंड कंट्रोल, ये क्या करता है, एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन एंड कंट्रोल, ऐसे लिखिए आप इसको, एनी काइंड ऑफ यहाँ से इसको लिख लीजिए, एनी काइंड ऑफ जो है एनी काइंड ऑफ कंट्रोल एंड कन्वर्जन, एनी काइंड ऑफ कंट्रोल एंड कन्वर्जन जो कि यहाँ पे दिया है आपका वोल्टेज स्टेप अप वोल्टेज स्टेप डाउन करता है। और ये क्या करता है, इट कन्वर्ट फ्रॉम ए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टू अनदर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी जो है कन्वर्ट करता है, यहाँ लिख सकते हैं टू कन्वर्ट द फ्रॉम से करते हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम ए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टू द अनदर फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, टू कन्वर्ट द मतलब अल्टरनेटिंग करेंट को फ्रॉम द सप्लाई सिस्टम टू द डायरेक्ट, मतलब डीसी फॉर्म में, मतलब ये क्या करता है एसी से डीसी फॉर्म में जो है, यहाँ पे इसके सब एसी से डीसी फॉर्म में जो है कन्वर्ट करता है इन द सब स्टेशन में जो है ये काम होता है। और यहाँ पे अगर हम दूसरी बात देखें यहाँ पे, तो ये क्या करता है, टू फैसिलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन द सिस्टम, क्या फैसिलेट करता है वोल्टेज रेगुलेशन को, फैसिलेटेड द वोल्टेज रेगुलेशन, क्या फैसिलेट करता है वोल्टेज रेगुलेशन इन द सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा। और क्या करता है, टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द सप्लाई सिस्टम, टू ऑपरेट एंड कंट्रोल द सप्लाई सिस्टम। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझे होंगे। इसके बाद जो है, ये तो आप समझ गए हैं कि क्या नाम है कि ये सब स्टेशन जो है क्या होता है। अगर हम बात करें कि सब स्टेशन को स्थापित करने के लिए आवश्यक बातें क्या हैं, सब स्टेशन आपका किस जगह रखना है किस जगह नहीं रखना है, अभी तो यह तो सब स्टेशन क्या होता है क्या काम करता है, इतना तो आप जो है अभी हमने यही बताया है यहाँ पे।
अगर हम बात करें कि सब स्टेशन को अगर हमें कहीं इस्टेब्लिश करना है या फिर स्थापित करना है तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक बातें हैं, तो ये चलिए हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे सब स्टेशन को स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है तो क्या क्या होता है, आप चलिए हम देखते हैं। तो लिखते हैं कि सब स्टेशन को स्थापित करने के लिए सब स्टेशन को स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है तो क्या क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। पहला अगर हम देखें तो वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर लोड डिमांड अधिक होती है। तो पहली बात क्या है, जहाँ पर लोड डिमांड अधिक होती है, यह बात है। और जहाँ पर सप्लाई के गुण के आधार पर, मतलब जहाँ पर सप्लाई के गुण के आधार पर भी ये होता है, आप लिख सकते हैं जहाँ पर सप्लाई के गुण के आधार पर भी किया जाता है। और दूसरी क्या है, यह जो है रिलायबल विश्वसनीय जो है होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ये क्या होता है, रिलायबल होना चाहिए। यहाँ तीसरी बात क्या है, रेगुलेशन आसानी से किया जा सके, यहाँ पे जो रेगुलेशन है वो आसानी से किया जा सके, मतलब रेगुलेशन आसानी से किया जा सके। आई होप फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा, रेगुलेशन जो है आसानी से किया जा सके। और क्या है, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की समस्या कम होनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की समस्या कम होनी चाहिए, तो चलिए यहाँ देखते हैं, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की समस्या कम होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे सर आप कुछ हिंदी पढ़ाते हैं कुछ इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो जैसा हमें डिमांड दिया जाता है हम उस हिसाब से जो है, हमारा काम पढ़ाने, हमारा काम समझाना है, पढ़ाने के तो आपके बुक में सब कुछ दिया है, हम क्या करते हैं उसको जो है समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है पॉलिटेक्निक वाले सारे बच्चे जो है यूपी बोर्ड्स के होते हैं, कुछ जो है सीबीएसई बोर्ड में भी हैं, इसलिए हम थोड़ा रिलेट करके पढ़ाते हैं कि आप जो है इसे पॉइंट कर सकें कि ये बातें कहाँ से चल रही हैं। तो चलिए हम कहाँ पूछे थे, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग की समस्या जो है कम होनी चाहिए। और क्या है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है सब स्टेशन का कम होना चाहिए, मतलब जो आप स्थापित करें वो कॉस्ट जो है वहाँ पर कम होना चाहिए, जो उसका एस्टिमेशन तैयार होगा वो जो है लगभग थोड़ा एज कम्पेयर टू हाई से कम होना चाहिए। तो यहाँ आप लिखते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है आपका सब स्टेशन का कम होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है सब स्टेशन की हमने की हैं। तो सब स्टेशन जो है आपको स्टूडेंट्स इस टाइप के जो है, मतलब इस प्रकार के जो है सब स्टेशन यहाँ पे आपको देखने, अगर हम आप जो है हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो हम सब स्टेशन के बारे में काफ़ी आपको बताए हैं, काफ़ी सारे स्टेजेस हैं, तो आप उनको देखिए किस किस प्रकार से जो है पावर सप्लाई वहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो है किस प्रकार से जो है आपका प्राइमरी
प्राइमरी ट्रांसमिशन था, प्राइमरी डिस्ट प्राइमरी मतलब सेकेंडरी ट्रांसमिशन था, प्राइमरी ट्रांसमिशन था, सेकेंडरी ट्रांसमिशन था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन था। तो किस प्रकार से ये सारे चीज़ थे, इससे पहले दो तीन चार बार हम उसके फ्लो डायग्राम आप बनवा चुके हैं। तो आप अगर उसको नहीं दिखे तो इससे पहले एक वीडियो आप जाइए और उसको वॉच करिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पर आएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वो सारे जो है बेसिक हैं, ये क्या है आपका जो है पूरा उसका इंटरलिंक मटेरियल है। तो इसमें हमने आपको बताया कि सब स्टेशन जो है होता क्या है। तो सब स्टेशन एक प्रकार की जो है एक प्रकार का प्लेस है जहाँ पर आपके जो है कई सारे फैक्टर को जो है इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। जिस प्रकार से जो है यहाँ पे काफ़ी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जहाँ पर पावर प्लांट द्वारा जनरेट की गई इलेक्ट्रिक पावर के वोल्टेज लेवल में परिवर्तन या पावर फैक्टर में परिवर्तन किया जाता है, उस स्थान को जो है क्या बोलते हैं, सब स्टेशन कहते हैं। अब एनी काइंड ऑफ कन्वर्जन कन्वर्जन है, कंट्रोल एंड जो है कन्वर्जन है यहाँ पे, और किस किस प्रकार के, जैसे आपके वोल्टेज स्टेप अप हो गया, वोल्टेज स्टेप डाउन हो गया, ऐसे जो है आपके कन्वर्ज करता है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टू द अंदर फ्रीक्वेंसी में, और जो है आपका एसी को डीसी में जो है ये कन्वर्ट करता है, और क्या फैसिलिट करता है वोल्टेज रेगुलेशन को, और जो है टू ऑपरेटर एंड कंट्रोल द सप्लाई सिस्टम, मतलब ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है किसको, सप्लाई सिस्टम को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सब स्टेशन को स्थापित करने के लिए जो आवश्यक बातें होती हैं वो यह है कि जहाँ पर जो है लोड डिमांड अधिक होता है वहाँ पे इसकी आवश्यकता होती है, और कहे जहाँ पर सप्लाई के गुण के आधार पर ये किया जाता है, रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, रेगुलेशन आसानी से किया जा सके, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की समस्या कम होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपकी जो है बैठा दी है अब हम सब स्टेशन इंस्टॉल कर दिए हैं और उसमें मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की जो है समस्या क्रिएट हो रही है और सही से वो रिपेयर नहीं हो पा रहा है, तो सारा जो है सिस्टम बिगड़ जाएगा और सप्लाई जो है कट ऑफ करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ मेंटेनेंस और रिपेयरिंग की समस्या जो है आसानी से हो जाना चाहिए, मतलब वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार का जो है समस्या क्रिएट नहीं होना चाहिए। जो आपका इंस्टॉलेशन कास्ट है सब स्टेशन का वो लगभग कम होना चाहिए, नहीं तो वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो अगर हम स्टूडेंट्स अब इसके बाद देखें हम क्लासिफिकेशन, मतलब आपके अगर देखें टाइप्स ऑफ द सब स्टेशन देखें तो सब स्टेशन के टाइप्स कई सारे हैं, कई सारे मतलब चीज़ों पर निर्भर करता है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ऐसे ही स्टूडेंट्स आपके ऑन द ये दो प्रकार के हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन फीचर। उसके बाद जो है हमें तो दो ही टाइप्स के ये लग रहे हैं, और उसके बाद जो है आपके कई सारे हम बताएंगे आपको धीरे धीरे क्या इसमें होने वाले हैं। तो पहला है कि आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ द सब स्टेशन को अगर हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ द सब स्टेशन में आप जो है स्टूडेंट्स देखे थे, मतलब देखे क्या थे अब हम आपको बता रहे हैं कि अगर हम उसके आधार पर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सब स्टेशन अकॉर्डिंग टू द सर्विस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस जो हम सर्विस दे रहे हैं उस बेसिस पे अगर हम देखें तो आप जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे सब देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सब स्टेशन जो है आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑन डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, मतलब ये कई जो है कई सारे टाइप्स मतलब ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ये डिपेंड करता है सर्विस में, जैसे आपका है जो है ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है, मतलब इस जो सब स्टेशन में जो है आपके वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं एज रिकॉर्ड विद हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर की मदद से, एंड द सर्विस स्टेशन ऑफ दिस टाइप एज आर फॉलो, मतलब इस टाइप के जो है कई सारे यहाँ पे सर्विस स्टेशन जो है दिए गए, जैसे कि अब यह ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में आपके जो है ए बी सी डी करके जो है यहाँ पे टाइप्स दिए गए हैं। तो चलिए अब उनको देखते हैं, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ पे इसका काम क्या है कि वोल्टेज अप को वोल्टेज डाउन करना या वोल्टेज डाउन वोल्टेज अप करना, ऐसे इनका जो है रिकॉर्ड होता है और विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। अदर सर्विस स्टेशन ये जो है कितने प्रकार के हैं, मतलब कुछ टाइप्स इसमें दिए गए हैं ट्रांसफार्मर सब स्टेशन के, जैसा कि आपका है जो है प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन से, ये सारी बातें हमने इसे पिछले वीडियो में काफ़ी ब्रीफली की है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए उसके बाद इस वीडियो भाई। तो चलिए हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ द सब स्टेशन होता क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ द सब स्टेशन क्या होते हैं। तो अगर हम लिखें यहाँ पे टाइप ऑफ सब स्टेशन में, तो चलिए हम आपको रिटर्न फॉर्म में क्यों कराते हैं कि रिटर्न फॉर्म में आप अगर इसको लिख के जो है अगर आप पढ़ते हैं तो
ये काफ़ी कहीं ना कहीं आपको ये रिकॉर्ड करके रखा रहता है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प करता है, आपको शॉर्ट टाइम रिवीजन करने को काम आता है। तो आप भी इसको जो है एक नोट्स में इसे नोट्स बनाइए। और देखिए, अगर हम इस अब बात करते हैं टाइप ऑफ सबस्टेशन की, अब टॉपिक पे आते हैं, तो देखिए क्या है, द इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आर डिवाइड इन द फॉलोइंग बेसिस, मतलब इसके जो है इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन जो है, सबस्टेशन जो है ये कई सारे प्रकार में जो है डिवाइड है। पहला तो ये देखिए कि किस किस पे जो ये डिपेंड करता है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, अगर हम पहले देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं, तो हम इसमें ये पाते हैं कि इस सब स्टेशन में जो है आपका वोल्टेज स्टेप अप और वोल्टेज स्टेप डाउन एज रिकॉर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब लिख सकते हैं कि अगर ये ऑन द बेसिस ऑफ सब स्टेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस के अंदर जो है आपका एक आता है कि ट्रांसफार्मर, क्या आता है, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। ये देखिए टाइप ऑफ सब स्टेशन में ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस एक है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर। तो अभी हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, अब ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस के अंदर क्या आएगा आपका, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन। अब ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में क्या है कि मतलब यहाँ पे अगर हम लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस सब स्टेशन में, स्टेशन में वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर की मदद से। आई होप आपको स्टूडेंट्स ये दिख रहा होगा कि इसमें जो इस सब स्टेशन में जो है आपका क्या नाम है कि वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन किया जाता है, किसके हेल्प से, ट्रांसफार्मर की मदद से। तो यहाँ पे अगर हम इसके जो है टाइप देखते हैं, तो इसके अंदर जो है हम ABC करके देखते हैं। देखिए ये आपका टाइप ऑफ सब स्टेशन, ये पहला है कैपिटल ए में आपका ये वन पहला वाला, ये हम ट्रांसफार्मर सब स्टेशन देख रहे हैं। अब इसके अंदर जो है स्मॉल करके हम ए लिखेंगे, तो ए में अगर हम देखें प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम, बी देखें क्या है, बी क्या है आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम, सी क्या है आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डी क्या है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये चारों फैक्टर्स से आप जो है इंट्रोड्यूस होंगे। अगर हम प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें पहले वाले की, इसमें क्या है, इस टाइप के सब स्टेशन में जो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्म प्राइमरी, मतलब ये क्या ना, इस टाइप के सिस्टम स्टेप अप लगभग किया मतलब किया जाता है, जिसमें अगर इसमें देखें इसमें कितना वोल्टेज जो है ट्रांसमिट होता है, अगर हम देखें जो है ट्रांसफार्मर प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज जो है इसमें कितना होने वाला है, इसमें अगर हम वोल्टेज की बात करें 132 kV, 220 kV और जो है 440 kV। ये क्या है आपका 11 kV जनरेट होता है, 11 kV कन्वर्ट किया जाता है, मतलब स्टेप अप किया जाता है इन वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में। अगर अब हम बात करें सेकेंडरी ट्रांसमिशन की,
तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन क्या है, ये वोल्टेज जो है आपका 132, 120, 140 को जो है स्टेप डाउन किया जाता है। क्या करते हैं हम, स्टेप डाउन करते हैं इसमें 33 केवी में या 66 केवी में। अगर हम देखें यहाँ पे तो ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या है आपका, स्टेप डाउन लगभग जो है यहाँ पे आपका होता है। क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है किस में। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका जो है, अगर मान लीजिए 132 है, 132 के वी या फिर 220 के वी या फिर 440 के वी को कन्वर्ट करते हैं किस में, 33 के वी में फिर 66 के वी में। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे। अगर हम बात करें जो है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये आपका 33 और 66, मतलब अगर मान लीजिए आप प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 33 के वी को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, 11 के वी को। अब आपका जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, 11 के वी क्या नाम है, 33 के वी को जो है हम कन्वर्ट करते हैं 11 के वी में, और जो है आपका 11 के वी को हम जो है कन्वर्ट करते हैं किसमें, 440 वोल्ट में या 220 वोल्ट में। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे, ये इसका रिलेशन, ये इसका रिलेशन। तो ये सारी बातें जो है हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि इस ट्रांसफार्मर में जो है इस टाइप के जो है कन्वर्जन लगभग किए जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे होंगे। इसके बाद भी कई सारे जो है आपके यहाँ पे बेसिस में हैं, जैसे कि आप, आई होप आप ये तीनों जो है समझे, ये चारों जो है समझे होंगे। इससे पीछे भी हमने स्टूडेंट जो है, पीछे हमने इन सारे जो है ग्राफ को हमने आप बनाया है, तो आप उसको नहीं देखें तो आप जाइए उसको जो है देखिए, आप जो है ट्रांसमिशन सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दो तीन बार हमने ये डायग्राम जो है स्टूडेंट्स वहाँ बनवाया है। अगर अब हम बात करें स्विचिंग सब स्टेशन की, ये तो आपका ट्रांसफार्मर सब स्टेशन हो गया, दूसरा क्या है आपका स्विचिंग सब स्टेशन। तो क्या है आपका स्विचिंग सब स्टेशन, अगर बात करें स्विचिंग सब स्टेशन की, तो स्विचिंग सब स्टेशन में आप क्या लिख सकते हैं कि इस सब स्टेशन में, मतलब क्या नाम है कि इस सब स्टेशन में जो है आपका, का मतलब ही है कि उसे एक प्रकार से स्विच की तरफ कंट्रोल करना, मतलब ऑन और ऑफ वेरियस सर्किट ऑफ द सिस्टम में, मतलब इस, अगर हम लिखें यहाँ पे लिखते हैं इस सब स्टेशन में, इस सब स्टेशन में जो है यहाँ पे टर्न ऑफ, टर्न ऑन या फिर ऑफ किया जाता है कई प्रकार के सर्किट को, कई प्रकार के, कई प्रकार के सर्किट सिस्टम को, सर्किट के प्रकार के सर्किट के सिस्टम को। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। और इसको जो है इसका काम ही है स्विचिंग करना, और इसमें वेरियस फीडर है लगा है, डिस्ट्रीब्यूटर लगा है, सर्किट जिसमें जो आपको टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है विद द हेल्प ऑफ स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर इन दिस सब स्टेशन। मतलब जो है ये फीडर है आपका, फीडर या डिस्ट्रीब्यूटर के सर्किट को यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि वेरियस फीडर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के सर्किट को फीडर या डिस्ट्रीब्यूटर के सर्किट को टर्न ऑन से टर्न ऑफ जो है किया जाता, टर्न ऑफ जो है विथ द हेल्प ऑफ, मतलब किसके मदद से किया जाता है, विथ द हेल्प ऑफ स्विचेस एंड सर्किट ब्रेकर और क्या किया जाता है, सर्किट ब्रेकर इन द सब स्टेशन। आई होप स्टूडेंट्स आप ये समझ रहे हैं कि स्विचिंग का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ को जो है हमें कंट्रोल करना है। तो अब हम बात करें कन्वर्जन की, अगर आप कन्वर्जन सब स्टेशन की बात करें तो कन्वर्जन सब स्टेशन में जो है, अब देखिए कन्वर्जन
सबस्टेशन। कन्वर्जन सबस्टेशन में क्या है कि यह इस प्रकार का सबस्टेशन है जिसमें जो है आपका एसी टू डीसी के यहाँ पे कन्वर्टिंग कन्वर्ट किया जाता है। और जो है आपका ये क्या कहता है कि इसका मेन काम यही है कि एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, ये कन्वर्जन का काम करता है, तो सिंपल सी बात है। और उसके बाद ये क्या था, तीसरा था, उसके बाद जो है आपका है फ्रिक्वेंसी पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट भी एक मतलब ये सब स्टेशन एक इस प्रकार का सब स्टेशन है, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सब स्टेशन इस प्रकार का सब स्टेशन है जिसमें जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है और जो है क्या नाम है पावर फैक्टर को जो है इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, मतलब कुछ कुल मिला के जो है इसमें इम्प्रूव किया जाता है पावर फैक्टर को। तो इसमें क्या लिखने की बात है, पावर फैक्टर अभी हम पढ़ाएंगे तो आप बताएँ कैसे इम्प्रूव करते हैं पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सब स्टेशन। अभी आप इनके नाम देखिए, पहले नाम क्या है, नाम से आप समझ जाएंगे इसके टर्मोलॉजी से। फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन, अब इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी का चेंज रहता है, हमने आपको बताया था सब स्टेशन फ्रीक्वेंसी का चेंज होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन स्टूडेंट्स आपको समझ आएगा। इसके बाद है आपका इंडस्ट्रियल सब स्टेशन, मतलब व्हेन द सिंगल कंज्यूमर नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ हिज हर इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वर्क एंड इंडिपेंड टू द पावर स्टेशन एंड इस्टेब्लिश फॉर दैट कंज्यूमर इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। इंडस्ट्रियल सब स्टेशन ये ऐसे प्रकार का सब स्टेशन है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा कंज्यूमर है और वो क्या नाम है कि किसी लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए किसी इंडस्ट्री या कमर्शियल वर्क करने के लिए, तो इंडिपेंड जो पावर स्टेशन जो है इस्टेब्लिश किया जाता है उसके लिए जो कंज्यूमर है, और उसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। आई होप स्टूडेंट्स आप ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस के जो है कितने टाइप्स हैं आप देखे होंगे, ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन है, स्विचिंग सब स्टेशन है, कन्वर्जन सब स्टेशन, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सब स्टेशन है, फ्रिक्वेंसी चेंजिंग सब स्टेशन है, और जो इंडस्ट्रियल सब स्टेशन है। आई होप आप समझ रहे। अब हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ जो है कंस्ट्रक्शनल फीचर, मतलब कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, अंदर बना है बाहर बना है, ये सब स्टेशन कैसा किस प्रकार से होने वाला है, हम जो है ये इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शनल फीचर, तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल फीचर, तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शनल, इसकी बनावट के जो है आधार पे अगर देखते हैं कंस्ट्रक्शनल फीचर, तो अगर हम इसके आधार पे देखें तो अब पहला लिख सकते हैं कि इंडोर टाइप सब स्टेशन, इसके नाम से ही लग रहा है इनडोर, मतलब क्या नाम है कि आपका एक ऐसा मतलब सब स्टेशन है जो कि इनडोर है, मतलब ये जो है किसी बिल्डिंग के अंदर इसका सारा इक्विपमेंट जो है इंस्टॉल किया जाता है, मतलब ऐसा समझिए कि दिस सब स्टेशन जो है इसका ट्रांसफार्मर रूम या कंट्रोल रूम इनसाइड द बिल्डिंग, मतलब ये क्या नाम है इसके कुल मिला के इसका सारा सिस्टम जो है अंदर होता है किसी भी बिल्डिंग के। अब इसका जो है कि ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन ऑफ जो है, आप इतना समझिए कि जो है इंडोर टाइप सब स्टेशन का सारा सिस्टम जो है बिल्डिंग के अंदर होता है। और दूसरा क्या है इसको हम आपको ब्रीफली अभी जब पढ़ाएंगे तो आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है बताने की जरूरत नहीं है, अभी इससे पीछे हम काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर जाएंगे तो हम आपको सारी चीज़ें जो है बताएंगे। अब आउटडोर टाइप सब स्टेशन क्या है, इन सभी के नाम ऐसे क्या नाम है नॉमन क्लेचर से ही पता चल रहा है कि आउटडोर टाइप सब स्टेशन क्या है, मतलब इसका जो ट्रांसफार्मर रूम है या कंट्रोल रूम है ये सभी क्या है बिल्डिंग के बाहर होंगे, जैसा कि आप जो है देखे होंगे आपके गांव देहात में क्या नाम है कि या शहर में आप जगह देखें आउटडोर टाइप सब स्टेशन आपको दिखा होगा कि ऐसे बाहर में सारा ट्रांसफार्मर लगा है एकदम खुला में, देखे होंगे ये सारी चीज़ें जो है आप, तो ये दो टाइप्स के जो है
यहाँ पे होते हैं। एक है आपका जो है, अब आपका जो यहाँ पे दिखा है पोल माउंटेन सब स्टेशन। अब ये क्या है, ये भी एक प्रकार का सब स्टेशन है जो कि क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। कैपेसिटी जो होती है वो जो हम बताया था हमें कि 11 KV को जो कन्वर्ट करता है 440 वोल्ट और 220 वोल्ट में, ये भी वाला सब स्टेशन जो का हम बोलते हैं पोल माउंटेन सब स्टेशन, जो कि दो दो पोल के भी होता है और जो है फोर पोल इन स्ट्रक्चर भी होता है, ओपन ऑन टू पोल और फोर पोल यहाँ पे इंस्टॉल्ड इन द ओपन ऑन टू पोल और जो है चार पोल भी कभी हो जाता है। तो आप देखे होंगे ये गाँव में ऐसे यहाँ पे दो ऐसे पोल लगे होते हैं, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, इसके यहाँ पे टर्मिनल से हमें मान लीजिए ये कोई कंज्यूमर का टर्मिनल है, यहाँ से हम सारे कनेक्शन जो है देते हैं। यह आपका डिस्ट्रीब्यूटर था, तो ये क्या है, ये भी ये क्या है, ये कन्वर्ट कर रहा था किसको, 11 KV को, 11 KV किसमें कन्वर्ट कर रहा था, 440 वोल्ट में या 220 वोल्ट में। ये किस प्रकार का है, ये आपका जो है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। तो ये क्या है, ये पोल माउंटेड ही तो है कि आपके पोल पे ये क्या गया, माउंट किया गया है, ये इसका सीधा सा मतलब है पोल माउंटेड सब स्टेशन। आप यहाँ पर आप ये समझ रहेंगे तीसरा क्या है, पोल माउंटेड सब स्टेशन है, पोल माउंटेड सब स्टेशन। और चौथा क्या, अभी हम आपको जो है बता रहे हैं, अभी हम आपको जो है डीपली बताने हैं, मतलब अभी आपको हम उसके नेम से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जब हम आपको एक एक पैरामीटर इसके बताएंगे तो हम इसको काफ़ी डेप्थ में ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि यानी फाउंडेशन माउंटेन, फाउंडेशन माउंटेन का मतलब है ये इस प्रकार का सब स्टेशन है कि जिसमें जो है इसके सारे सिस्टम ग्राउंड में जो है फाउंडेशन बना के माउंट किए गए, मतलब ऐसे समझिए कि इसके जो इक्विपमेंट होते हैं सब स्टेशन इंस्टॉल होते हैं आउटसाइड द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर, और फाउंडेशन ऑन द ग्राउंड, इसके फाउंडेशन जो दिए होते हैं ग्राउंड में दिए होते हैं स्विचिंग यार्ड, और दे ऑपरेट एंड कंट्रोल बाय द कंट्रोल रूम लोकेटेड द कंट्रोल बिल्डिंग, जो ये ऑपरेट और कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल रूम जो कि लोकेटेड होता है कंट्रोल बिल्डिंग में। सब स्टेशन आर यूजली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ये सब स्टेशन जो है यूजली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन में जो है किया, तो यहाँ पर लिखते हैं कि क्या नाम है कि फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये देखे होंगे कि यह के जो है चार टाइप के सब स्टेशन यहाँ पे देखिए देखने को मिलेंगे, इंडोर आउटडोर पोल माउंटेड और जो है आपका फाउंडेशन सब स्टेशन। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे कि ये सारी बातें जो है स्टूडेंट्स आप जो है देखे होंगे। और अब जो है ये क्या है, ये आपका एक प्रकार से जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन है किसके लिए, केवल सब स्टेशन के लिए, सब स्टेशन होता क्या है, सब स्टेशन कहाँ लगाया जाता है, सब स्टेशन का काम क्या है, सब स्टेशन कितने टाइप्स के होते हैं, किस प्रकार के, ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, अगर हम बोले ऑन द बेसिस ऑफ सर्विस के लिए तो क्या होता है, इस सब स्टेशन में वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन किया जाता है ट्रांसफार्मर की मदद से, जो कि ट्रांसफार्मर क्या नाम है कि आपका यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम में जो है यहाँ पर आप जानते हैं 220 KV 440 KV कन्वर्ट किया जाता है किस में, अरे 11 KV कन्वर्ट किया जाता है 132 220 और 440 में, उसके बाद 132 220 440 कन्वर्ट किया जाता है 33/66 KV में, ये क्या है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम है। और आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है 33/66 कन्वर्ट किया जाता है 11 KV में, ये सारे आपको जो है रट जाने हैं। अगर आप जो है पहले वीडियो से अगर आप शुरुआती देखेंगे शुरू से देखेंगे तो ये सारी चीज़ अभी तक तो आपको रट गए होंगे, क्योंकि ये इस पर हमने शुरू से ही काफ़ी डीपली फोकस किया है, हमने इसीलिए बताया था क्योंकि ये काफ़ी रिलेटेड है और बार बार ये आने वाला है, बिना इस कन्वर्जन के, बिना आपके जो है पावर के किस किस स्टेज में कैसे आप तक पहुंच रहा है कि जो है स्टेशन से जनरेट हो रहा है जनरेटिंग स्टेशन से और कंज्यूमर तक किस प्रकार से वो आ रहा है, ये सारी बातें हमने शुरू से ही करते करते यहाँ तक हम आपके पास आए हैं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो है पहला शुरुआती वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आप उनको जो है वॉच करिए, एक दो बार तीन बार देखेंगे तो आप कुछ है ये सारे जो है रट जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप आज का वीडियो जो है आपको पसंद आया हो, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए थैंक यू।